हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट पर वेब ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करते हैं तो गूगल क्रोम की मदद से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल क्रोम पे कैसे हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं कि ताकि कोई भी और आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे कोई भी चीज सर्च ना कर सके। दोस्तों, इसके लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे अपने ब्राउजर में पासवर्ड लगाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाने के बाद अगर आपके पास वेब स्टोर का ऑप्शन देता है तब तो ठीक है, यहाँ पर देता है यहाँ पे देता है तो ठीक है, नहीं ऑप्शन देता है तो हम आने यहाँ पे आने के बाद यूआरएल में टाइप करेंगे गूगल क्रोम ऐप स्टोर। गूगल पे टाइप करेंगे गूगल क्रोम ऐप स्टोर, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा डाउन आ जाएंगे। डाउन आने के बाद अब आपको इस लिस्ट पे क्लिक करना है, पढ़ के थोड़ा सा क्लिक करिएगा, गूगल वेब स्टोर ऐप्स, इस पर क्लिक करेंगे या आप गूगल पे टाइप करेंगे गूगल वेब स्टोर तब भी आपको पहले लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाइप करना है सेट पासवर्ड फॉर योर ब्राउजर, और इसको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद आपके सामने एक एक्सटेंशन आ जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। अब आपके सामने ये ब्राउजर लिख के आ रहा है सेट ब्राउजर फॉर सेट पासवर्ड फॉर योर ब्राउजर क्रोम, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एड टू क्रोम पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चेकिंग लिख के आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांग रहा है, प्लीज सेट योर पासवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम, कीप पासवर्ड सिंपल मे बी टू लेटर्स। चलिए मैं अभी डी और ए नाम से लिख लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ओके फिर कर देते हैं, ओके करेंगे फिर से हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड मांग रहा है, मैं टी और ए जो मेरा पासवर्ड है उसको मैं सबमिट करने वाला, जैसे ही ओके करूंगा अब हम आसानी से यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कुछ भी। फिर से एक बार हम टेस्ट करते हैं, विंडो को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे क्रोम आइकन पे डबल क्लिक करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए आपको फिर से पासवर्ड मांग रहा है और मैं पासवर्ड जैसे ही दूंगा फिर आसानी से हम ब्राउज कर सकते हैं।